लास्ट ओवर तो मैं ही डालने वाला हूँ, फिर देखेंगे। तो ठीक है, तो मैं कितना भी एबी डिविलियर्स बन चुका हूँ, वो बुमराह थे भाई। ठीक घूम रहे थे है। भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बहुत नया होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ नया आने वाला है मेरे चैनल पे, तो बस इसी वीडियो में है यार। और मैं जनरली आपसे बहुत सारी बात तो करते रहता हूँ, तो आज हम उनसे बात नहीं करेंगे, आज हम बातें करेंगे, बातें। तो आज है मेरे साथ मेरे फ्रेंड मिस्टर आदित्य जगताप, ठीक है, और वो मेरा एक तरह से भाई है, और ही इज करेंटली वर्किंग इन सिनॉप्सिस कंपनी एज एप्लीकेशन इंजीनियर। तो यार हम जानेंगे उससे कि क्या काम करता है वो, और किस तरह का इन्वायरमेंट है उसके कंपनी में, और नई नई चीजें सीखेंगे यार आप सभी के लिए, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे आप तैयारी। तो मैं तो हमेशा बोलते ही रहता हूँ, बट आज उनसे भी सीखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में देखो वीडियो, और प्लीज लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो दो पार्ट में है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, और अगर आप लाइक करते हो, अच्छा अच्छा लगता है, तो मैं जरूर सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगा कुछ दिनों में। तो प्लीज हैव अ लुक और लाइक करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आदित्य जगताप से। सो हेलो आदित्य, फाइनली हाँ यार, फाइनली स्टार्टेड विथ अ रे ऑफ दिन से होप। तू बोल रहा था कि मेरे को जूम कॉल करना है, जूम कॉल करना है। वो रे ऑफ होप बड़ा फाइनली शानदार लग रहा है, लेकिन हाँ यार, ये रे ऑफ होप है ना, इसको मैं साइड से डाल दूँ चलो कोई तो नहीं मुंह पे यार, ना। हमारे हमारे व्यूअर्स काफी अच्छे हैं, दे वांट माय डैनी, दे विल ऐसे इंस्पायर्ड बाय दिस रे ऑफ होप। भाई इंजीनियर हूँ, जुगाड़ करना पड़ता है, तो वही मैंने थोड़ा वो जुगाड़ करके मैनेज किया कि वो साइड से गुजरे। ठीक हाँ सही है, है, वो सही मुंह पे नहीं आया बस, जुगाड़ से बाकी ही तू चल रहा एडिटिंग है कर अपना लेगा अगर काम। तो। तेरे को आवाज सही आ रही है ना मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, सब सब मस्त आ रहा हाँ, है। हाँ किधर है तू, कहाँ है पहले बता। मैं अमरावती में हूँ अमरावती में। अभी। मैं जुलाई में अमरावती में आया, तब तक मैं हैदराबाद में था। अच्छा हैदराबाद में। तो मैंने लॉकडाउन अपने के बाद व्यूअर्स को पहले ही बता दिया है कि तू ऐसा सिनॉप्सिस विनॉप्सिस में काम करता है, ऐसा एप्लीकेशन इंजीनियर वगैरह है, खतरनाक वाला। तो पहले ये बताओ कि एप्लीकेशन इंजीनियर होता है क्या, क्या वो मोबाइल पे ऐप वैप बनाते हुए मैं एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ, भगवान नहीं। ठीक है, तो अच्छा ये हमने एक लाइन हमारे टी शर्ट पे भी लिखी थी हमारे हमारे एक इवेंट के लिए। तो ओके हाँ, आई एम एप्लीकेशन इंजीनियर बट नॉट गॉड। ओके, तो मैं ओहो एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ, भगवान नहीं। ठीक है, अच्छा, हाँ तो तो मतलब क्या मोबाइल एप्स बनाता है क्या। नहीं भाई, हम हमारा ऐसा है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे सिनॉप्सिस के लिए काम करने का मौका मिला, क्योंकि देख ऐसा है कि वो हर किसी का ड्रीम होता है कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो जब मैं कॉलेज में था, यानी जब मैं एमटेक कर रहा था, तो हम सिनॉप्सिस के टूल चूज करते थे। ठीक है ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि यार ये सब भी चीजें होती है, यानी ये कितना अमेजिंग है, यानी सब कुछ मैजिकल लगता था कि यार लाइक हमने आईसीसी यूज किया, उसके बाद डिजाइन कंपाइलर यूज किया। तो कभी उस टाइम पे तो ऐसा लगता था जो हमारे सीनियर सिनॉप्सिस में काम कर रहे हैं या किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि यार मुझे भी ऐसा मौका मिले कि मैं कुछ करूं इस पर्टिकुलर सेक्टर। तो हाँ, फिर चांस मिला, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं अभी सिनॉप्सिस में एप्लीकेशन इंजीनियर के पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। और मैं बेसिकली आईसी कंपाइलर 2 और फ्यूजन कंपाइलर इन टूल्स को सपोर्ट करता हूँ। सो अब एप्लीकेशन इंजीनियर होता क्या है, ये तेरा सवाल था, करेक्ट। सो बेसिकली हमारे टूल्स है, लाइक वी हैव एन नंबर ऑफ टूल्स, सो वो अब कस्टमर्स यूज करते हैं फॉर देयर डिजाइन्स, राइट। सो उनके डिजाइन्स में लाइक ड्यूरिंग द फ्लो इफ दे दे नीड सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट,
और व्हाट वी कैन से, अगर उनको पूरे डिजाइन फ्लो में कहीं पे इश्यू आता है टूल से रिलेटेड या कोई और, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो वी आर बेसिकली टूल एक्सपर्ट्स, कि हम, मैं टूल एक्सपर्ट नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि देर आर मेनी पीपल थ्रू आउट द मैनी है सबका इंडस्ट्री, सबका हाँ, बट हाँ, तो हम, हमको टूल का नॉलेज है, जो वी डिलीवर इट टू द कस्टमर, ओके। सो हम उस नॉलेज का यूज करके उनके इश्यूज अगर आ रहे हो उनको, तो वो रिजॉल्व करते हैं। सो अच्छा माइट बी अपॉइंटेड इशू और एनीथिंग, ओके। ओके देन वी ऑल्सो डू डिफरेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज विद द कस्टमर्स, सो इन देयर ऑल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। सो दैट इज द रोल ऑफ एप्लीकेशन इंजीनियर। ओके ओके सो बेसिकली व्हेन यू से टूल, तो टूल बोले तो एक काइंड ऑफ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही है जैसे कि हम यूज करते हैं, मतलब जैसे जूम भी एक हाँ सॉफ्टवेयर है तो वो वीडियो कॉलिंग का, जैसे डिजाइन में जो भी हेल्प करता है डिजाइन में। हाँ यानी थ्रू आउट द डिजाइन फ्लो, यानी डिजाइन अब तुम्हें, तुझे तो पता ही है, तूने इतने सारी चीजें यानी पढ़ाई है और अभी तू वीडियोस भी अपलोड कर रहा है। जैसे लेट्स से फिजिकल डिजाइन एक पार्ट हो गया, करेक्ट। यस यस तो फिजिकल डिजाइन में वी हैव नेटलिस्ट, नेटलिस्ट हम यूज करेंगे, लाइक डिजाइन कंपाइलर से नेटलिस्ट डंप आउट होगी और देन वी विल यूज इट फर्दर इन ICC2 फॉर फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, ओके ओके। तो ओके हमको उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं IC Compiler 2, नाउ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज फ्यूजन कंपाइलर, ठीक है। ओके हम वो यूज करके फिर फिजिकल, और देन वी टेक इट टू द GDS। देन उसके पहले, लाइक तुझे पता है DRC LVS क्लीनिंग, जो यस भी द यस फिजिकल यस वेरिफिकेशन पार्ट, यस यस तो उसके लिए हमारा टूल है IC वैलिडेटर, ओके ओके ICV करके, ठीक है ना। बीच में STA करना रहता है, तुझे तो पता है, तो एसटीए प्राइम टाइम हाँ प्राइम टाइम टूल, तो उसका फेमस हाँ। है। तो जो कंप्लीट प्रोसेस है, लाइक डिजाइनिंग अ चिप, राइट राइट फ्रॉम द ITL टू GDS, उसके लिए देर आर एंड वेरियस टूल्स दैट कस्टमर यूजेस, ओके, टू यस यस डिजाइन इट। ओके सो बेसिकली RTL दे दिया, तो कंस्ट्रेंट दे दिए, तो हमने DC से नेट लिस्ट बना ली, नेट लिस्ट, फिर फॉर्मल वेरिफिकेशन, ये सब चीजें होती है वहां पे। फिर नेट लिस्ट बना ली, तो हमने IC Compiler 2 को, वी विल यूज इट एज ए इनपुट, देन देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू क्लियर कर ऑल दिस थिंग्स, तो फिर सो उसको ओवरऑल आगे एक लेके एक जाते। एक पूरे डिजाइन फ्लो में कितने टूल्स यूज होते हैं, कितने नंबर ऑफ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स चाहिए लोगों को अगर एक पूरा चिप बनाना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टेप आउट तक, कितने टूल्स होंगे अराउंड? हाँ, तो देर आर, अब मैं तुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, बट आई कैन टेल यू इन विच एरियाज वी नीड टूल्स, ओके। सो लेट्स से लाइक फॉर नेटलिस्ट ऑप्टिमाइज, जैसे मैंने RTL से RTL दे दिया डिजाइन कंपाइलर को, तो वो नेटलिस्ट बना के देगा, करेक्ट। सो डिजाइन कंपाइलर हो गया फॉर सिंथेसिस, वी कॉल इट सिंथेसिस, या ठीक या है। फॉर्मल वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मेलिटी एक टूल है, वो ओके यूज होता है, ठीक है। उसके बाद STA करना पड़ता है, टाइमिंग मैच करने के लिए, सो उसके लिए हम प्राइम टाइम यूज करते हैं, ठीक है। DFT के लिए DFT कंपाइलर, टेट्रा मैक्स, ये टूल हो गए, ठीक है। ICC के लिए, लाइक फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, IC Compiler 2, ओके और देन वेरिफिकेशन के लिए IC वैलिडेटर, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन के लिए Star RC, सो सो मेनी प्रोडक्ट्स आर लाइक देयर मुझे 10-12 अक्रॉस। टूल्स तो अराउंड हो ही जाएंगे, 10-12 से ऊपर ही होंगे। हाँ, तो वो हो जाएंगे, और हर चीज में, लाइक इन एवरी प्रोडक्ट यू नीड एक्सपर्टीज, राइट। तो लाइक सिनॉप्सिस में हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपर्टीज रहती है, करेक्ट। सो जैसे मैं अभी PNR में काम कर रहा हूँ, यानी IC Compiler 2 और लाइक फ्यूजन कंपाइलर या बैक, पीएनआर मीन्स तो प्लेसमेंट एंड बेसिकली राउटिंग जो बैकएंड का पार्ट है। हाँ। और जब जितने मैंने ये टूल तुझे बताया ना, तो एक एक अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज फ्यूजन कंपाइलर, दैट्स अ कंप्लीट पैकेज बेसिकली। तो तुझे बस RTL देना पड़ेगा उसको, और वो GDS बना के तुझे देगा, ठीक है। सो इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ कंप्लीट प्रोडक्ट, सो वाह इट हैज फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, सिंथेसिस, एवरीथिंग इन इट। ओके सो ये चीज है, सो ओके लाइक लाइक डे बाय डे।
हम भी जब पढ़ते हैं तो लाइक वी स्टडी एसिक डिजाइन फ्लो, सो वी टेल कि हाँ हाँ आईटीएल डिजाइन इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, फिर फिजिकल डिजाइन इंजीनियर है, एसटीए इंजीनियर है लाइक. बट तो हर ये जो एक एक अलग फील्ड में, हाँ सेक्टर आया है कि एप्लीकेशन इंजीनियर, ये तो भाई सबके ऊपर एक एप्लीकेशन इंजीनियर बैठा हुआ है आपको सपोर्ट करने के लिए, तो ये हाँ एक तो अलग ही ये कैसा है, अपॉर्चुनिटी है मतलब. हाँ ये कैसा है कि तूने जैसे बोला अभी एसिक फ्लो, राइट? हाँ तो एसिक फ्लो में फॉर एवरी स्टेज यू नीड टूल टू टूल, या यू नो टू इम्प्लीमेंट इट, ओके, और हम्म, टू वेरीफाई इट, ओके. यस, तो ये सब चीजें जो रहती है ना सिमुलेशन करने के लिए, वीसीएस हो गया, तुझे तो पता है, ठीक है ना, वीसीएस हो गया. तो ये सब चीजें है ना, ये थ्रू आउट द एसिक फ्लो तुम्हें लगेगी. लाइक देर आर एन लाइक देर आर डिफरेंट टूल्स यू विल यूज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्लो, ठीक है. यस सो यस कंप्लीट एसिक फ्लो इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ चिप, ओके. मे बी आईसी, ओके. एक डिजाइन को स्पेसिफिकेशन से लेके उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करने तक पूरा एसिक फ्लो में आएगा. लेकिन ये सब चीजें करने के लिए यू नीड टूल, राइट? टूल सो टूल, हर एक पर्टिकुलर यानी स्टेज में यू नीड अ पर्टिकुलर टूल, ठीक है. तो उसी से और उस टूल के एक्सपर्टीज होंगे, ठीक है, जो यस, वो उस टूल को अच्छे से जानते हैं, जो उस पे या अच्छे से काम कर चुके हैं. सो लेट्स से कस्टमर दे यूज अवर टूल, राइट? तो उसके लिए लाइक इन देयर कंप्लीट प्रोसेस, इफ दे फेस एनी इश्यूज, इफ दे नीड एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट इन अंडरस्टैंडिंग सर्टन फीचर्स और टूल, और कोई पॉइंटेड इश्यूज है जिनको वो आ रहे हैं दैट वी नीड टू रिजॉल्व, राइट? सो इन दैट केस हाँ वी आर देयर, लाइक हम उनको सपोर्ट करते हैं उस चीज में, ओके. ठीक है ना. तो तो अभी ये देयर आर लॉट जो मेनी थिंग्स, या अभी जो टूल्स हैं इतने सारे, तो अभी एक तो है तो सपोर्ट की चीज कि क्लाइंट को कोई भी इश्यू हो तो यू आर देयर फॉर सपोर्ट, और एक वो भी बंदा होगा ना जो उसने वो बनाया होगा, पूरा सॉफ्टवेयर बनाया होगा, तो वो फिर एक और सो हायर दे है. आर, हाँ, सो दे आर R&D, सो दे ओके ओके बेसिकली डिजाइन द टूल, ओके. सो हाँ, लाइक टूल बनाने की बनाने वाली जो टीम रहती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ओके एंड वी आर द उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए वी आर देयर, हाँ, ओके ओके. लाइक एप्लीकेशन इंजीनियर्स, ओके. सो तो बेसिकली हाँ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि ये एक अलग ही जॉब अपॉर्चुनिटी है यार, अभी भी मतलब लोगों के लिए, हाँ क्योंकि बहुत कम एंड लोगों देर को आर एन पता है. नंबर ऑफ थिंग्स ऑल्सो. लेट्स से या अभी मैं एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ, करेक्ट? यस यस सो मैं एक AE हूँ. सो मुझे फिजिकल डिजाइन, लेट्स से तुझे अभी अपने को पता है, लाइक फ्रॉम फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट, CTS, राउटिंग, या डिफरेंट स्टेजेस इन द बैकएंड. यप अब हर एक स्टेज के लिए देयर इज वन स्पेशल इंजीनियर, ओके. ओके तो हाँ, इन बिटवीन, सो लेट्स से वी आर AEs, एंड देन देर आर देर इज R&D, राइट? सो इन बिटवीन अस देर इज ऑल्सो वन पर्सन हु इज एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर डोमेन ऑफ द बैकएंड फ्लो. लेट्स से ओके CTS के एक क्लॉक ट्री सिंथेसिस हो गया, उसके लिए एक बंदा रहेगा जो उसको ये करेगा, ठीक है. ओके यानी ही विल सपोर्ट इट. एंड लाइक लेट्स से अभी हम कहीं पे हमको कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमको कुछ चीज समझ नहीं रही है, यस या वी यस नीड इन डेप्थ ऑफ दैट, राइट? हमको थोड़ा ज्यादा डिबग करना है, और मे बी यू कैन से कि हमको और ज्यादा नॉलेज चाहिए उस चीज का, कुछ इंफॉर्मेशन है विच इज वेरी ओनली दे नो इट, ओके, या बिकॉज दे आर एक्सपर्टेड इन एक्सपीरियंस दैट पर्सन्स पर्टिकुलर. आल्सो, या सो उसके लिए देन वी विल गो टू देम, लाइक ओके, वी आर फेसिंग दिस इश्यू इन दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दे विल कम अप एंड देन दे विल हेल्प. ओके So ओके that way it is structured. So as far as job opportunities are concerned, right? So n number of things are there. Let's say AE role, ये सबसे ज्यादा, like for every product we need so many AEs because there are so many customers, there are so many accounts in VLSI industry. और आगे चल के, like let's say अब तुमको उस स्पेस से आगे जाना है, और लेट्स से तुमको कुछ और ट्राई करना है, तुम्हें एक स्पेसिफिक डोमेन में लाइक एक्सपर्ट होना है, तो देन यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, वेयर ओके PD में से तुम प्लेसमेंट को चूज करके उसमें एक्सपर्ट बन के तुम यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दोस ओके सो पॉइंटेड इन इश्यूज. इन PNR आल्सो वी कैन ओनली चूज प्लेसमेंट,
लाइक उसमें भी हाँ फिर स्पेशलाइजेशन है नहीं कि प्लेसमेंट एंड राउटिंग में से प्लेसमेंट चूज करो एंड फिर हाँ सो प्लेसमेंट के वी कॉल देम सीएईज ओके जो सो अभी सीएईज का कॉर्पोरेट एप्लीकेशन इंजीनियर करके लॉ फर्म होता है सो वी यूज देम सो बेसिकली उनका ऐसा है कि जैसे अब मैं काम कर रहा हूँ फ्लो में मुझे प्लेसमेंट में कोई इशू आ रहा है मैं डिबग कर लूंगा सब कुछ कर लूंगा बट लेट से कोई इंफॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए और जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू आरएनडी सो दे हैव ऑल दीस थिंग्स अवेलेबल ये इन्फो मुझे चाहिए तो मैं उनके पास जाऊंगा एंड देन आई विल टेक हेल्प फ्रॉम देम टू टू रिजॉल्व द इशू सो बेसिकली ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिजाइन टू मीट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस एंड टू सपोर्ट टू प्रोवाइड अ ग्रेट क्वालिटी सपोर्ट सो इसीलिए तो अपॉर्चुनिटीज तूने बोल दी तो एप्लीकेशन इंजीनियर रहता है सीए रहता है देन यू कैन फाइंड इट इन आरएनडी ओके तो सो आई डोंट थिंक आरएनडी में कोई बंदा डायरेक्टली जा सकता है एज अ फ्रेशर या फिर उसको ऐसे सीढ़ी चढ़ते हुए फ्रेशर नहीं नहीं ऐसा नहीं है आरएनडी इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग डिफरेंट मीन्स वो कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर हो गया ओके एप्लीकेशन इंजीनियरिंग ये कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर हो गया और सीई इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सो आरएनडी में कैसा है कि लाइक तुम्हें आरएनडी के लिए अप्लाई करना है सो लाइक यू नीड टू हैव मोर नॉलेज अबाउट यू नो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करेक्ट सो सी लिनक्स प्लस एंड हो गया ऑल ये सब दैट चीजें तो हाँ ये सब चीजें तुमको अच्छे से आनी चाहिए यप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छे से आनी चाहिए ओके अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज ओके ठीक है तो मतलब मैं ये नहीं बोल इसको सकता हूँ कि जो सीएस में उसने मास्टरी कर ली है या सीएस में बहुत अच्छा है वो आरएनडी बन सकता है नहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नॉलेज चाहिए हाँ, लाइक वो सीएस में भी अच्छा होना चाहिए बट उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज भी रहना चाहिए ठीक है सो दैट बिकॉज पर्सन हाउ कैन गो टू आर ट्रांजिस्टर्स वर्क हाउ ट्रांजिस्टर्स आर मॉडल्ड वो उसको समझ में आना चाहिए हाँ हाँ ये सब चीजें ठीक है बिकॉज कोई भी यानी हर चीज डेटाबेस के अलावा बन नहीं सकती राइट सो देयर विल बी अ डेटाबेस विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट सो वो भी इम्प्लीमेंट ही करे वो टूल ही बना रहे हैं ना वी आर दे आर इम्प्लीमेंटिंग अ टूल हम वो टूल यूज करके हम डिजाइन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ठीक है कस्टमर्स फिजिकल डिजाइनिंग की सो ये चीज होती है ठीक है और रहा अलग सो ओपनिंग्स यानी कैसा है कि अक्रॉस द इंडस्ट्री देर आर टू मेनी यू नो अगर हम बात करें तो लाइक जब भी ओपनिंग आती है सो इट इज क्लियरली मेंशन व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन ओके से आरएनडी है रहेगा तो वहां पे बोला जाएगा कि अच्छा तुम्हें प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ठीक है ना बिकॉज तुम्हें टूल बनाना है ठीक है रहा हमारा सवाल सो वी नीड टू हैव यू नो द नॉलेज ऑफ फिजिकल वीएलएसआई और कोर वीएलएसआई प्लस बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स यस तो आई हाँ थिंक इतना डिटेल में तूने आंसर दे दिया है ना कि उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी को और कहीं जाने की जरूरत है तो एप्लीकेशन इंजीनियर का फुल डिटेल ये आई थिंक 10-15 मिनट्स में तूने दे दिया है मैं और एक चीज बोलूंगा तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी है ना वो काफी इवॉल्व होती है क्योंकि यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद न्यू पीपल विद कस्टमर्स एंड यू बेसिकली शेयर योर नॉलेज एंड यू गेट नॉलेज फ्रॉम देम ऑल्सो राइट सो ये नॉलेज शेयरिंग काफी अच्छे से चलता है और और न्यू पीपल से ज्यादा तुम्हें मैं ये बोलूंगा कि वो जो लोग रहते हैं ना दे आर लाइक 10-15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे आर लाइक एट टॉप हाँ हाँ पोजिशन यू विल टाइम्स गेट टू कम्युनिकेट विथ ऑल एक्सपर्ट्स थ्रू आउट द यस इंडस्ट्री तो यस सो दैट इज द बेस्ट वो पार्ट आई सबसे थिंक बड़ी चीज है ठीक है हाँ दैट इज द बेस्ट पार्ट व्हेन यू कम लाइक यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर ऑल द यू नो थिंग्स आर इन्वॉल्वड एंड वो उनके इनपुट्स पता चलेंगे कि लेट्स से दे आर फेसिंग सम इशू सो दे विल टेल यू ओके दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड एंड दिस ओके इज द पार्ट एंड या व्हाट इज योर सजेशन सो दे विल ऑल्सो टेल व्हाट दे हैव डन तो या तुमको उनका अप्रोच भी पता चलेगा ओके अब लेट से कोई 15 इयर्स एक्सपीरियंस 20 इयर्स एक्सपीरियंस वाले लोग हैं 8 इयर्स ठीक है तो उनका अप्रोच डिफरेंट ही रहता है ठीक है यस ऑलवेज यस सो वो जब तुम्हें बताते हैं सो यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो कि अच्छा ये कि अप्रोच भी हो हाउ द सकता है डिजाइनर इज थिंकिंग ठीक है ना
वो चीज भी तुम्हें सीखने को मिलेगी, ठीक है, जब तुम इस फील्ड में आओगे। तो ओके ये काफी, और कैसा है बताए क्या, मैं एन नंबर ऑफ इश्यूज हैंडल करूंगा फ्रॉम एन नंबर ऑफ डिजाइन्स, एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स करें। सो एट ए टाइम आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज फ्रॉम डिफरेंट डिजाइन्स। ओके, कोई 7 nm पे होगा, कोई 6 nm पे होगा, कोई 14 nm पे होगा, तो इस तरीके से काम करूँगा। सो उससे क्या होगा कि मुझे सभी चीज का फ्लेवर मिलेगा, यस, ठीक है ना। एंड एवरी प्रोसेस तो नोड ऐसा, इज डिफरेंट, मतलब वो खुद में इतना डिफरेंट है, हर एक प्रोसेस नोड। हाँ 7 nm का अलग है, 22 nm अलग है, सब अलग है। ओके सो ये तुम्हें सीखने को मिलेगा काफी या ज्यादा, यस। तो यार वो जो इम्पोर्टेंट। भी लोग ये व्यूअर्स देख रहे हैं ना, मतलब अभी इससे ज्यादा क्या तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा एक एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए, नया सेक्टर आपको पता चला है, तो यार तैयारी में जुट जाओ मुझे लगता है। बाकी हम लोग तो हैं ही हेल्प के लिए, ऑफ कोर्स। तो अभी तो तुम यार बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, एप्लीकेशन इंजीनियर हो, क्लाइंट वगैरह हैंडल, बट मुझे ये जानना है, और हम मुझे भी नहीं पता उतना तुम्हारे बारे में, कि मैं तुम्हें आई थिंक 2015-16 में मिला, आई थिंक फोर्टीन 15 फोर्टीन फिफ्टीन से ना या आठ साल उसके हो गया। पहले का तुम्हारा क्या जर्नी है। सो यू आर इन अमरावती, यू बिलोंग फ्रॉम अमरावती, तो बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता है, अमरावती एक आंध्र प्रदेश में भी है, बट ऐसे ये वो वाला हाँ अमरावती वो नहीं है। तो तो दिस इज महाराष्ट्र में एक छोटा सा पता टाउन है अमरावती, तो वहां से आदित्य बिलोंग है। करता है। हाँ तो छोटा कहाँ बताओ, बर्थ के बाद कैसे, स्कूलिंग टाउन, कहाँ, स्कूलिंग कहाँ हुआ, और फिर कैसे किया। तो बेसिकली मेरी स्कूलिंग पुलगांव करके एक प्लेस है, वो छोटा टाउन है, वहां पे हुई। और उसके बाद मैंने मेरा 9th और 10th जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है वर्धा, मैंने वहां से किया। वर्धा उसके बाद नागपुर के पास है। हाँ तो क्या हुआ, मुझे है ना एक फनी स्टोरी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने लाइक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों आया, ठीक है। तो मेरा 10th था, और 10th में मेरे घर वालों की काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि यानी ज्यादा नहीं थी, ऐसा था कि चल भाई 80% आने चाहिए, बस इतना एक्सपेक्टेशन। तो करते जो, मुझे सबसे ज्यादा शौक था क्रिकेट का, मैं चांस देखता था कि मैं कब जाऊं और क्रिकेट खेलूं, ठीक है। तो मुझे बहुत बड़ा शौक अभी भी है, ठीक है, बट अभी उतना टाइम नहीं मिलता। तो तब ये हुआ ना कि फिर इंजीनियर यानी 10th में, 9th में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया था, तो मुझे तो लग रहा था कि नहीं यार डूब गई, ठीक है। यानी मुझे एवरेज ही लग रहा है यार, मैं तो यानी वहां पे जब पुलगांव में था तो अच्छा था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं 9th में बहुत मस्ती थी, तो उसकी वजह से मेरा स्कोर कुछ आते ही नहीं था स्कूल में। क्या खैर कुछ वो बात बोर्ड अलग। वगैरह चेंज हुआ था, CBSE हो गया था या इंग्लिश मीडियम नहीं नहीं ऐसे नहीं कुछ। मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा हूँ, और मैं 8th तक मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ, ठीक है। ओके हाँ तो इंग्लिश तो बहुत घटिया था, ठीक ओके है। तो उसके बाद है ना, तो मैं 8th में मैंने सेमी इंग्लिश लिया, ठीक है, वो भी सेमी इंग्लिश था मेरा। सो ओके हमको साइंस और मैथ्स इंग्लिश में रहते थे, और इंग्लिश इंग्लिश में रहता था, बाकी सब तो वो हिंदी रहता था, संस्कृत रहता था, और हिस्ट्री ज्योग्राफी इतिहास भूगोल। इतिहास भूगोल। तो उसके बाद 10th में फिर पढ़ाई की ठीक ठाक, अच्छी पढ़ाई की। तो 10th में अबव एक्सपेक्टेशन थे, ठीक है, घर वालों को 80% की एक्सपेक्टेशन थी, और मुझे मिले थे 87, लाइक एट्टी सिक्स अरे पॉइंट बहुत नाइनटी बढ़िया सिक्स है, समथिंग कुछ तो बहुत मिले थे, ठीक है। बढ़िया। बहुत भाई वो 10th के मार्क्स थे, ठीक है, उसको इतना कुछ नहीं रहता उसमें, ठीक है। तो एनीथिंग अबव फिर एक्सपेक्टेशन इज गुड, मैं तो यही समझता हाँ, हूँ। अबव एनीथिंग इज अबव एक्सपेक्टेशन इज गुड, लाइक गुड, यू आर ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। यस यस चल भाई तब इतना था, इतना मिल जाए, तो हाँ घर वाले भी खुश, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर पापा मेरे टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, ठीक है। तो फिर पहले ऐसा था कि पहले ये एक्सपेक्टेशन थी कि यार सीए करते हैं, सीए करते हैं, ठीक है, ओहो फाइनेंस। नाइस, अच्छा था। तो हाँ, तो फिर है ना, फिर पापा बोले कि यार रहने दे सीए वगैरह, तू है ना इंजीनियरिंग, ठीक ओके है, 10th में ही आई इंजीनियरिंग थी। का। हाँ हाँ
हाँ, 10th में ही बोला कि तू इंजीनियरिंग कर लेना, ठीक है। तो भाई अपने को क्या पता रहता 10th, ठीक है ना, कुछ अपन नहीं। सिर्फ यानी उसमें कुछ 10th में भाई मिल गए हम, मस्त छुट्टियां मना रहे, कोई टेंशन। फिर पापा बोले कि 11th 12th करने से अच्छा तू पॉलिटेक्निक था, क्योंकि हमारा लाइक तुझे बोला है कि इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, तो बेटर 11th 12th क्यों जाना, पॉलिटेक्निक जा, डिप्लोमा कर, डायरेक्ट सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को यस। एडमिशन मिलेगी, 3 ईयर इंजीनियरिंग खत्म। तो बोला ठीक है। इवेंचुअली मेरा बड़ा भाई वो भी इंजीनियर डिप्लोमा कर रहा था पॉलिटेक्निक किया उसने मैकेनिकल। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर पापा की सुनी, और वहां पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पे हम एडमिशन के लिए चले गए, ठीक है। तो वर्धा मैंने में, फॉर्म वगैरह फिल किया वर्धा में, हाँ तो जो मेरिट लिस्ट थी, ठीक है, हाँ उसमें मेरा 13th नंबर था, 13th, अरे ठीक है। सही है, मेरे बहुत आगे 13 अच्छा। लोग थे, 13 या 14 लोग थे, ठीक है। तो अभी हम ऐसा वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो आया एडमिशन के लिए, तो हम ऐसे एडमिशन के लिए गए, मैं गया था, ठीक है, हाँ पापा टू साइड, तो फाइनेंस की चीजें पापा देखते थे, ठीक है ना। तो हाँ मैं, मेरा तो कुछ ये था मार्कशीट वार्कशीट लेके उसको दे हाँ देना, ठीक है। तो मैं गया, फिर मैंने एडमिशंस देखी किस ब्रांच में जा रहे, ठीक है। तो उसमें से मेरे आगे वाले सभी 10 लोग जो थे ना, हाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया था। वो भाई, मैंने उनको पूछा, वो जमाना ही तो अलग था। हाँ, तो मैंने बोला सर एडमिशन कहाँ पे हुई है अभी, कौन सी ब्रांच है? बोले तो उन्होंने ये बोला कि अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया है, और ये भी वर्ड बोला था कि उधर बोनी भी नहीं हुई। बोनी यानी क्या रहता है, वो सुबह जाते हैं ना बस, जो भी बिजनेस हाँ, करते हैं उनको पता पहला लगेगा, पहला शॉपिंग, हाँ पहला पहला कस्टमर, नहीं हाँ हुई, दूसरे पहला ब्रांचेस कस्टमर। की बोनी भी नहीं हुई है। हाँ, यानी एक तो नहीं, मैंने उन्होंने नाम लिया था, इन ब्रांचेस की बोनी ही नहीं हुई अब तक। ओके तो मैं देखा यार 10 लोग, और वो मेरे से को सबको 90+ ओके थे, ओके, टैलेंटेड लोग। टैलेंटेड लोग सब यार इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए। तो बोल रहा है कुछ तो होगा, तो चलो मेरा भी ले। तो ऐसा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन, मैं एक चीज ठीक बोलना चाहूंगा कि अगर अगर यही सोच आज लोग रखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कोई आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि आज कोई है भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ही नहीं लेना चाहता है। नहीं, वो बेसिकली अभी देखा, अभी मुझे स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पता, ठीक है ना, बट देखो हम है ना, हम बट गलती क्या करते विजुअली हैं, दिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कट ऑफ्स नीचे जा रहे हैं, वो तो दिखता है, सीट्स हाँ, तो खाली हम रह गलती जाते क्या हैं करते हैं पता है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, के, सुन हम लोगों का सुन के है ना के। यस डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है यस ना। इफ देयर इज नो वन टू गाइड यू, यप देन लाइक तुम उसके लिए सर्च करो, तुम पूछो, तुम खुद करो। लेकिन क्या होता है, वो 10th वाला जो दिमाग रहता है ना, अपन हाँ अब 14-15 साल का बच्चा, तब जो रहता है ना, तब तुम इतना इतना मैच्योर नहीं रहते यार, या तुमको पता नहीं रहता आगे चल क्या हाँ, और है क्या नहीं है, उस समय क्योंकि ऐसा तुम था इतना, आपको कि इतने क्वालिफिकेशन अच्छे ज्यादा है। मार्क्स आ गए तो फिर तो अपन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही है, मतलब अपन ने हाँ, अचीव हम कर उस समय लिया उस चीज में रहते कि भाई अपन ही भगवान है, वो नहीं क्या है। डायलॉग अपना डायलॉग 10th के बाद सेक्रेटरी ऐसा वाला 90% आया, आप खुद को लगता है अपन ही भगवान है, बस भाई। अभी अपने आगे हाँ, कोई नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ वो वाली फीलिंग है। तो हाँ हम भी वैसे ही गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले ली, और इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हो गई। तो उसके बाद फिर या पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक ओके okay. में पहले साल ठीक ठाक मार्क्स आए, दूसरे साल इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि फिर वो दोस्त लोग बढ़ते गए बढ़ते और गए। बस फिर मस्ती चालू हो गई, ठीक है ना। और पॉलिटेक्निक का एक खासियत पता है क्या है, डिप्लोमा का, कि तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे अलावा तुमसे बड़े लोग भी रहते हैं जो 12th हाँ करके आते हैं, हाँ ट्वेल्थ करके जो आते हमारे हैं, साथ तो कुछ कुछ थे जिन्होंने बीएड डीएड किया था, वो आए थे, ठीक है ना। बाप तो रे। ऐसे, हाँ, तो ऐसे लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, तो वो जो गैप होता है ना, वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, ओके और तुम कम कम उम्र में ज्यादा बड़े हो आगे जाते बढ़े हो। जाते, बड़े हो जाते, ठीक है। तो ओके पॉलिटेक्निक में ये सिचुएशन रहती ओके है ना, डिप्लोमा में मोस्टली। मैं मेरे कॉलेज यानी मैं मेरे क्लास का बता रहा हाँ नहीं, ये ऐसा ही रहता है। हूँ। इवन मेरे कॉलेज में, मैंने तो पॉलिटेक्निक नहीं किया है, बट मेरे बीटेक कॉलेज में भी जो पॉलिटेक्निक से आते थे
उनका स्वैग अलग रहता है। मैं पहले थोड़ा सा अच्छा रहता हूँ, लाइक अच्छे बच्चे जैसे। अच्छा अभी नहीं है क्या? फिर मेरे को अच्छे दोस्त, ठीक है, डिप्लोमा। फिर ओके okay. उसके बाद फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। अच्छा फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स आए थे क्योंकि पढ़ाई भी अच्छे से की थी और और प्रेशर रहता है सब्जेक्ट्स भी मुझे बेसिकली, पसंद आते थे। और प्रेशर भी रहता है कि अब एडमिशन लेना है बीटेक में, तो आप एकदम जदम हाँ, तो लगा मुझे देंगे। देख, मुझे कभी केमिस्ट्री केमिस्ट्री पसंद नहीं आया, ठीक है। मैं केमिस्ट्री मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे पसंद आता था फिजिक्स, मैथ्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ईडीसी करके सब्जेक्ट था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स, नॉट अच्छा सर्किट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। ओके। हाँ, वो जो और हार्डवेयर कंपोनेंट्स दिखाते कंपो थे। डिप्लोमा ईसीए करके था, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड एंड इट्स एप्लीकेशंस करके। तब ऐसा लगता था वो सब कैपेसिटर रहता है, वो सब वो उसका पूरा यानी रेजिस्टेंस, तो वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पता है ना, वो हाँ जो हाँ बैंड वेरी उसपे गुड से बॉय। रेजिस्टेंस उसको कैलकुलेट करते हैं। ईडी और इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था, तो उसमें स्टेपर मोटर ये सब चीजें, हाँ मजा आता था, तो हाँ उसमें मजा आया। कम्युनिकेशन था तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था, अच्छा मुझे इतना मजा नहीं आता था, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, तो उसमें वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ये वो, जो मुझे इतना मजा नहीं आता, ठीक है। हाँ तो जो सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। ओके तो फाइनल ईयर्स हो गया, फिर ठीक ठाक मार्क्स मिले और उसके बदौलत फिर मेरी अमरावती में एडमिशन, ओके ठीक है। तो फिर अमरावती में इंजीनियरिंग मैंने अमरावती में स्टार्ट किया, डायरेक्ट हाँ सेकंड ईयर, ठीक है। हाँ वो तो तो सेकेंड है। मजेदार, किस फर्स्ट डे मैं कॉलेज में आया, और तो हमारे कॉलेज में लाइक 3 रो रहती थी, ठीक है। हाँ तो बीच वाले रो में पहले 5 बेंच खाली रहते थे, ठीक है, और सब फिर पीछे इधर बैठते से बेंच स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ तो अब मैं गया, एक बंदा था तो लाइक वही रेगुलर जो जिन्होंने फर्स्ट ईयर बीटेक किया, जो इलेवेंथ यस ट्वेल्थ वाले थे, इलेवेंथ हाँ, ट्वेल्थ यस यस वो सब एक दूसरे के दोस्त, पूरा क्लास एक हाँ दूसरे का दोस्त, ठीक है। हाँ और वो काफी ज्यादा यानी ऐसा बोल सकते हो घुल मिल के रहते थे, यानी बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना ये सब चीजें हाँ करना, तो हाँ सब एक दूसरे के पहचान के थे, सब एक दूसरे के। हम गए और मैंने उसको बोला कि यार, तो मैंने बैग रखी मेरी और मैं उस बंदे के साइड में जाकर बैठा, एक बेंच पे 3 लोग बैठते थे, तो ओके वो बैठा उसके, तो उसने बोला कि यहाँ नहीं बैठने का। ओहो फर्स्ट डे रैगिंग बोला क्यों क्यों भाई? तो बोले ये मेरे दोस्त की जगह है और मैंने उसके लिए रखी है, ठीक है, कहीं उधर जाकर बैठ। ठीक है ठीक है। तो फिर मैं उसके आगे के बेंच पे बैठ। तो फिर तो कैसा होता है, अब ये सब दोस्त है ना, तो हाँ हमें भी तो ये करना है, तो जो भी पॉली वाले लोग आए थे वो सब हाँ अकेले ही थे, अलग अलग वो जगह सब से आए एक थे, हो हम जाते हैं फिर सब दोस्त हो गए, ठीक है, जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले। तो फिर हमने क्या प्लान किया, ये पहले 5 बेंच खाली रखते हैं ना, ठीक है, तो हम अब फर्स्ट बेंच पे बैठे, ठीक है। हाँ और हमको तब उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स नाम का सब्जेक्ट था, ठीक यस है, यस एक यस इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट, हाँ तो वो अच्छे से आता था हमको, ठीक है, पॉली वाले। हम सामने वाले बेंच पे जाके बैठते थे और सर को मस्त आंसर हाँ देते थे, यार डाउट पूछते थे, ठीक ये तो है। देखा है जो हाँ पॉली वाले रहते हैं ना वो पहले दिन से ही इम्प्रेस कर देते हैं टीचर्स को यार, ये गलत बात है यार। तो हम वो करते थे। तो क्या हुआ, अब क्या होता था कि जब भी टीचर आए क्लास में, तो उनको दिखता था कि यार फर्स्ट बेंच पे तो बैठे हैं बच्चे ये 3 लोग, लेकिन पीछे वाले बेंच खाली और उसके बाद 5th बेंच से स्टार्ट, बैठे तो फिर वो बोलते थे सब पीछे वाले सामने आओ, ठीक है, सबको सामने आके बैठना पड़ता था, सेकंड या थर्ड फोर्थ। तो ये काइंड ऑफ रिवेंज था, ठीक है, उस चीज ओहो का। लेकिन जैसे 4th सेम आया, तो फिर हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए, तो उन्होंने भी हमको काफी इन्वॉल्व कर लिया, और हमारे हमारा ऐसा था कि हम जो लैब एक्सरसाइज रहती थी ना, तो हमने सीआरओ फंक्शन जनरेटर ये हमने हाँ उधर ही देख लिया था, उधर ही तो देखिए हमको अच्छे से ऑपरेट करते आता था, ठीक है। हाँ तो हम ऐसा फिर लैब एक्सरसाइज में हम ऐसा स्वैगर बन के घूमते थे कि चल भाई अपने को, ठीक है, अपन कर लेंगे। तो हाँ वो फिर
वहां से दोस्ती बढ़ी हमारी, फिर हमारी क्रिकेट टीम बनी, फिर हम ऐसे फिर हम एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए. सो बाय लास्ट ईयर हम एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हो गए. तो और ये मैंने भी देखा है कि इनिशियली जब सेकंड ईयर में आते हैं तो उस समय मैथ्स वगैरह काफी टफ रहता है, तो वहां पे स्ट्रगल होता है पॉली वालों को, बट जब थर्ड ईयर में आते हैं तो भाई 80% 90% भी लाते हैं सब्जेक्ट्स में, मतलब पूरा. हमने टू बी ऑनेस्ट मैंने कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय की, बीटेक में भी हमारा काफी अच्छे इवेंट्स होते थे हमारे कॉलेजेस में. और एक चीज मैं बताऊं, इवेंट से याद आया कि एक बात बताता हूँ, मैं इंजीनियरिंग की. ओके. तो क्या हुआ कि एक इवेंट, यानी इवेंट चल रहे थे कॉलेज में, ठीक है. तो हमारे एक सर का लेक्चर चल रहा था, तो वो अटेंडेंस वाला फैक्टर रहता है ना, 75% रहता है. तो अभी मेरा हमेशा रहा है, देखो ये मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि क्लासेस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो लेकिन मुझे है ना, खाना खाने के बाद नींद आती थी दोपहर, बहुत नींद आती थी. मैं रही नहीं पाता था क्लास में, ठीक है. तो मैं ऐसे देख रहा है सामने से, तो मैं सो जाता था, फिर डांट पड़ती, मैं रह ही नहीं पाता था. तो मेरा हमेशा रहता था कि खाना खाने के बाद है ना, मैं ट्राई करूँ कि जितना ज्यादा, यानी मैं ट्राई करता था कि एक तो मैं क्लास में एंट्री लेट लूं, या किसी बहाने से मैं बाहर जाऊं थोड़ा, ताकि मैं मुंह पे यानी फेस वॉश वगैरह कर सकूं, यानी स्प्लैश कर सकूं वाटर, तो ठीक लगे, ठीक है. तो ये मेरी कमजोरी रही है हमेशा, ठीक है. तो ऐसे ही एक बार हुआ कि हमको है ना क्रिकेट खेलने जाना था. तो इवेंट्स चल रहे थे, तो क्लास चल रहा था हमारा, और साइड में वो ऑडिशन चल रही थी, सिंगिंग और डांसिंग ये सब चीजों के ऑडिशन चल रहे थे. तो फिर मैं भाई, फिर मैंने हाथ उठाया, बोले सर पढ़ा रहे थे. तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी सर. तो बोले क्यों, क्या हुआ? तो मैंने बोला सर वो इवेंट चल रहे है ना. तो बोले तो क्या? तो मैंने बोला सर मेरा डांस का ऑडिशन. ये झूठ बोला तूने. ऑब्वियसली मेरा डांस का ऑडिशन, जो क्रिकेट खेलने जा. तो मेरे साथ 6-7 मेरे और दोस्त थे. तो बोले ओके ठीक है, अच्छा डांस का ऑडिशन. एक और खड़ा हो गया, सर मेरा भी सिंगिंग ऑडिशन है, मेरा एक्ट का ऑडिशन है, मेरा डांस का ऑडिशन है, ऐसे करके 6-7 लोग खड़े हुए, ठीक है. तो बोले ठीक है, तो कब है? तो हमने बोला लाइक 2 बजे है करके, 1:30 बजे क्लास चालू है, 2 बजे है करके. तो हमको पहले से जाके वहां पे बैठना पड़ेगा, ठीक है. तो फिर लेक्चर खत्म होने के बाद फिर वो सर, हमने ये बोला, सर बोले ठीक है चले जाओ. उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला, ठीक है. प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारा ऐसा क्लास था और क्लास के सामने एचओडी का कैबिन था, ठीक है. और वहां से लेफ्ट साइड गए तो हॉल था जहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, ठीक है. और क्लास में से राइट साइड पे डायरेक्ट बाहर जाने का गेट था, ठीक है. तो उधर से तुम डायरेक्ट बाहर चले जाते हो बिल्डिंग, ठीक है. फिर उधर कैंटीन के तरफ ग्राउंड के तरफ, ठीक है. तो मैं निकला और लेफ्ट गए, ठीक है, ऑडिशन हॉल के तरफ. और ये 5 लोग जाके राइट चले गए बिल्डिंग के बाहर. वो सर को दिख गया, ठीक है. सर को पता लग गया कि ये जो है ना, ये गेम नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है. और क्लास भी हंसने लगा. तो फिर हमने, चलो मैं उधर से बाहर जाके फिर मिला, फिर हमने क्रिकेट विकेट खेला, हो गया. वहां से 2 महीने बाद फिर हमारा वाइवा हुआ. ओके. तो मेरा फाइनल वाइवा था, तो मैं बैठा, ठीक है. तो एज मैंने ये बात बोली थी, तो वो जो सभी लोग थे ना, मैंने सर का वो ये रहता है ना स्प्रेडशीट रहता है, उसपे मैंने देखा कि मेरे नाम के आगे स्टार मार्क था, स्टार, ठीक है. तो फिर मैंने, और मैं काफी कॉन्फिडेंट था उस सब्जेक्ट के लिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मुझे ठीक ठाक आता था. और मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे बाजू मेरे दोस्त को बता रहा हूँ, देखो वैसा नहीं करते वैसा करते, ठीक है. वैसा करके बता रहा था, बहुत चौड़ पे घूम रहा था. फिर है ना ऐसा वाइवा हो गया, बाकी लोग भी ऐसे बैठे. तो मुझे बोला कि अच्छा तू जगता है ना, तेरा ऑडिशन था ना डांस का?
बोला हाँ सर था, तो तू दिखाई नहीं दिया फिर डांस करते हुए? नहीं कन्फेस्ट में हाँ नहीं हाँ डांस करते हुए दिखा नहीं तू एनुअल इवेंट पे? तो मैंने बोला सर हो नहीं पाया, ठीक है मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। ओहो तो बोले ओके ठीक है, तो बोले ठीक है, तो फिर बोला हाँ सर, तो चल अभी डांस करके दिखा, ठीक है वही वाह में चल अभी नाच के दिखा, बोले हाँ चल अभी नाच के दिखा, बोले ठीक है। तो भाई फिर क्या, फिर तो सब सच लोग में हंसने तूने लगे। वाइवा में नाचा? नहीं ना भाई, बोला नहीं, फिर बोला सर सॉरी, वो उनको पता लग गया था कि ये, तो मैं बोला सॉरी सर, तो ये था। तो बोले एक काम कर, क्लास टीचर से बात कर, उनको बुला के ला, फिर मैं उनसे बात कर। दो मैं क्लास महीने तक टीचर वो से बात टीचर को कर, याद था ये बात, वो हाँ मानना हाँ उन्होंने पड़ेगा। कुछ नहीं बोला भाई, उनकी भी प्लानिंग थी ना कि यानी वाइवा, तो वाइवा के दिन तो अपने हाँ सामने आए, लास्ट लास्ट ओवर तो मैं ही डालने वाला हूँ, फिर देखेंगे। ओवर तो मैं ही डालना, ठीक है। तो मैं कितना भी एबी डिविलियर्स बन चुका हूँ, वो बुमराह बुमराह थे भाई, ठीक थे है। भाई। तो हाँ मतलब इतना एंजॉय किया बीटेक में, मतलब बीटेक कुछ में के कुछ बहुत कांड अच्छा। तुम्हारे रहते ही थे। हाँ हमारा भाई कैंटीन में भी जाते थे ना, तो हमारी कैंटीन एक बहुत पॉश कैंटीन थी, बहुत अच्छी, ओ ठीक है, जो नई बनी थी, और एक पुरानी थी जो जहाँ कैसे छत से पानी टपक रहा, ठीक है। हम वहां पे जाते थे क्योंकि अच्छा वहां पे नाश्ता काफी अच्छा मिलता था। हाँ पुरानी हवेली तो में। हम हाँ, और बाहर आके भी, हम बाहर भी कॉलेज के बाहर भी ऐसी छोटी छोटी वो दुकानें नहीं रहती, हाँ हम टपरी। वहां पे जाते थे। देखो इस जगह जाने का रीजन सिर्फ खाना नहीं है, सिर्फ सिर्फ वहां का ब्रेकफास्ट अच्छा था वो नहीं है, रीजन ये है कि वहां पे तुमको एक से एक धुरंधर मिलेंगे, ठीक हाँ है, जो तुमको अच्छी वाली जगह नहीं मिलेगी। अच्छी वाली जगह पे टीचर लोग हाँ और अच्छे वाले टैलेंटेड हाँ यानी यानी बाद में तुम्हें जो फ्री टॉपर लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, ऐसा बोलो। हाँ वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, ठीक है, देन तुम अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो जो हाँ चाहे एग्जैक्ट वो, ठीक बोल है, सकते हो। तुम कैंटीन में जाके वो एग्जैक्टली लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा होता है वाइवा के दिन पूछेंगे कि तुमने उस समय क्या वर्ड बोला क्या था, वो बोल के दिखा सकते, ठीक है। मतलब वाइवा में तो सब्जेक्ट की चीजें नहीं, वो पूरे सेमेस्टर भर तूने क्या क्या कांड किया वो सब पूछेंगे तेरे से ना, भाई ऐसे बहुत टीचर। सही है। यानी एक्सटर्नल के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था वाइवा में, तुझे पता है अपना एनकोडिंग सिस्टम रहता है हाँ या डिजिटल ना टू डिजिटल ग्रेड, हाँ डिजिटल में नॉन रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो नहीं इनर एडजस्ट जेड करिए वो, आर जेड हाँ हाँ डिजिटल कम्युनिकेशन का रहता है। तो हमें एक टीचर आए थे इंजीनियरिंग में, तो एक्सटर्नल थे, ठीक है, तो उन्होंने वाइवा लिया था, और उनका नाम मुझे आज भी याद है, बट मैं लूंगा नहीं अभी, लेकिन उनका नाम याद है मुझे, हाँ, क्योंकि ऐसे लोग, तो बोले ऐसी सिस्टम बना जो तेरी खुद की नहीं हो, जो किसी ने नहीं बनाई हो, ऐसा इनकोडिंग स्कीम बना के दिया, ठीक है। हाँ तूने बोला नहीं मुझे आता, तुम्हें याद नहीं रहता अभी। नहीं, भाई ऐसा नहीं, तो फिर है ना, अब मुझे तब भी कहीं पे जाना था, ठीक है, तो फिर है ना मैं सोच में पड़ गया, तो मैं वो सब पढ़ के गया था, एनआरजेड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मुझे इतना खास ये नहीं हुआ, यानी मैंने, मुझे याद नहीं, मैंने कुछ अलग ही आंसर दिया था, तो उसने ऐसा खड़े होके तालियां बजाई थी, तो यानी बहुत ही ऐसा स्वैग ये होना कहते चाहिए होगा तूने सरका एकदम सरका जम्मे सरका जम्मे, ठीक स्वैग है। वाला बोले एकदम। वाह बेटा वाह, ठीक है, वाह ठीक है, बहुत अच्छा, मैंने ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं देखा, ठीक है। मैंने उनको बताया था, शायद मैंने ये बताया था कि एवरी नेक्स्ट डिजिट यू हैव टू ऐड वन, ओके ओह बाइनरी वन, ठीक अच्छा है, बाइनरी तो वन। लाइक 0 + 1 1 हो गया हाँ वन, तो फिर वो 1 + 1 जीरो हो जाएगा। 0 carry 1 1 0 हो गया, ठीक है हाँ ना, फिर वो 1 0 + 1, हाँ, तो हर डिजिट में तुमको तो एक से इंक्रीमेंट करते ही जाना है, ठीक है, वो ओके कहीं पे नहीं रुकेगा, ठीक है, अच्छा वो तो वो बोले तो इसका फिर अंत कहाँ पे है बेटा ये बता, नंबर नंबर ऑफ बिट्स इतने बड़े हो जाएंगे भाई। हाँ वो क्वांटाइजेशन पता है ना तुझे, वो
इंक्रीज होते रहता है वो स्टेप बाय स्टेप भी हाँ इंक्रीज इट हाँ क्वांटाइजेशन पता है ना पब्लिक के लिए। हाँ हाँ वो स्टेप वाला स्टेप तो वो वाला हाँ बढ़ती जा रहा है इसका कहीं अंत नहीं है ठीक है उसने ये वर्ड बोला था बेटा इसका तो कहीं अंत नहीं है ठीक है अब बताओ इसको इम्प्लीमेंट क्या कैसे करोगे बेटा ठीक है तो इसका भी तो कोई अंत नहीं है। तूने हाँ जवाब दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब उस थर्ड हाँ ईयर स्टूडेंट ने एक नया तो ये इनकोडिंग बोला था एल्गोरिदम निकाल दिया, बहुत बड़ी बात है। हाँ तो उन्होंने ये बोला कि इसका तो कोई अंत नहीं है ठीक है। तो मैंने बोला अंत नहीं है मैथ्स में कोई अंत नहीं है इसीलिए तो इन्फिनिटी डिजाइन हुआ है ना ओह इन्फिनिटी ये बोला था मैंने भाई मैथ्स में कोई अंत नहीं है इसीलिए वी हैव इन्फिनिटी राइट। ओहो तो फिर उसने बोला हाँ भाई भाई, पूरा ही मैंने ज्ञान दे इनिशियल दिया पूछा तूने, था पूरा ही ज्ञान दे दिया। एक बार पापा को बुलाया था पापा के सामने मुझे खड़ा किया फिर मेरे सभी रिकॉर्ड्स निकाले अटेंडेंस के ठीक है बोले यार तू फर्स्ट सेकंड लेक्चर में था थर्ड लेक्चर में कहाँ गायब हो गया ठीक है इतना डिटेल में निकाले यार, इतना तो कोई कॉलेज वाला नहीं डिटेल करता है। था उसके मेरे पास सब कॉलेज कुछ वाले था। कभी इतना नहीं करते। तो फिर मैं रीजंस बता रहा मैंने उनको रीजन बताया था कि सर मैं ना मैंने यस सर बोला था अटेंडेंस के वक्त लेकिन आपको सुना ही नहीं आया मैंने तो तेरे अच्छा पास तो ठीक रीजंस है सर हमेशा ये मैं रहते अटेंडेंस लगा देता हूँ तो हैं। ये पूरे सेमेस्टर भर मुझे सुनाई नहीं आई तेरी आवाज और जहां तक मुझे पता है तू तो फर्स्ट बेंच पे बैठता था बाद में तू लगे तो पीछे जाता था लेकिन तू फर्स्ट बेंच पे बैठता था तो फिर मेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं है तेरी सॉरी तेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं आई। तो मैं बोला सर हाँ ये सब थी उन्होंने पापा ने मुझे डांटा उनके सामने फिर वहाँ पे थोड़ी ये हो गई थोड़ा शर्मिंदा थोड़ा हुआ मैं थोड़ा लेवल थोड़ा डाउन हो सा गया भाई का। किसी के इतना तो बेशरम हूँ मैं कि मुझे इतना ज्यादा ठीक है मैं डांट खा लेता सर की वो तो आदत थी लेकिन पापा के सामने डांट खाई तो क्या वही और कुछ टर्निंग पॉइंट था, कुछ ऐसा मन परिवर्तन हुआ वहां से? नहीं, मन परिवर्तन देख मन परिवर्तन कभी ऐसा हुआ नहीं है जो भी था वो यानी हमने सब कुछ यानी कैजुअली लिया चल रहा है तो चल रहा है जो होगा अच्छा होगा जहां पे करना है जहां पे जरूरत है वहां पे मेहनत करेंगे ठीक है ऐसा रहा उसके लिए लाइफ जीना नहीं छोड़ना है ये हाँ, मेन ये था इम्पोर्टेंट हाँ क्योंकि एक बार लाइफ मिलती है इम्पोर्टेंट चीज पता है इंजीनियरिंग के बाद फिर पता है फिर मैं एक इंजीनियरिंग के बाद फिर मैं एक लड़के से मिला ठीक है और फिर लाइक हमें गेट की प्रिपरेशन करनी थी ठीक तो मैंने सोचा कि यार बहुत लोग क्लासेस लगाते हैं हैदराबाद जाते हैं यहाँ वहाँ तो मैंने सोचा कि भाई नहीं जाते उधर ठीक है आज कुछ तूफानी करते हैं क्यों ठीक है फाइनल किया? तो मैंने वही सोच लिया कि अपन अमरावती में बैठ के ही पढ़ाई और साथ में करें तूफानी करेंगे ना। साथ में तूफानी करेंगे ठीक है क्योंकि अमरावती में रहेंगे तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि सभी दोस्त है यहाँ पे और सारे बेरोजगार हैं ठीक है हाँ, तो बेरोजगार। जब बेरोजगार बेरोजगार मिलते हैं तो वो अलग ही माहौल बनता है ठीक है ना।